बहरहाल फिर कोई हर्ज नहीं। अस्सलामु अलैकुम। फैज़ मेरा नाम हैतम है। मेरा ये सवाल था आज का कि आपने बोला रोज़ा छोड़ना, बहुत से लोग रोज़ा छोड़ते हैं और बोलते हैं कि आपको तीन लोग को खाना खिलाना पड़ेगा, चार लोग को खाना खिलाना पड़ेगा, तो ये गुनाह इसका मिलेगा या कुछ मिलेगा? भाई ने एक सवाल किया, बहुत सारे लोग रोज़ा छोड़ते हैं और कहते हैं इसके बदले लोगों को खाना खिला दो तो इसका कफ़ारा हो जाएगा। देखिए, रोज़े का फिदिया वो इंसान दे सकता है किसी गरीब को खाना खिलाने की शक्ल में जिसको सेहत साथ नहीं देती और रोज़े रख ही नहीं पाएगा बेचारा, या जिसके तवील रोज़े बीमारी से छूटे। जैसे मिसाल के तौर पर एक खातून है, हमल है, रोज़े नहीं रख पाई, रजात आ गई, रोज़े नहीं रख पाई, दूध पिलाना है बच्चे, फिर हमल हो गया, दूसरे बच्चे औलाद की पैदाइश, फिर रजात आ गई, तो अब एक मुसलसिल चार साल, पाँच साल, छः साल के रोज़े छूट गए, अब 180 रोज़े रखना कहाँ समझे ना, मुहाल हो जाएंगे उसके लिए। तो फिर अब ऐसे लोग क्या करें, तो वो फिदिया दे सकते हैं। फिदिया मतलब एक रोज़े के बदले खाना खिलाए मिस्किन। ऐसा ही एक शख्स बीमार है, जैसा कि उसको शुगर है, जवान है लेकिन शुगर है, या बूढ़ा है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख सकता, तो ऐसे इंसान के बदले आप फिदिया दे सकते हैं। लेकिन हट्टे कट्टे लोग हैं, सिर्फ आदत की वजह से, दिल नहीं बोलता रोज़ा रखना, जान पे आता है यार बहुत ही, क्या रोज़ा रखो, फला करो, लत मेरी मजबूर कर देती मुझे रोज़ा नहीं रखने पर, लिहाजा मैं एक फिदिया दे दूँ, तो उसका तो खबर नहीं होगा। ये किसके लिए? मजबूर बीमार के लिए, जो रोज़े या तो रख ही नहीं पाएगा इतने अरसे के छूटे, या फिर बेचारा ऐसा बीमार है कि उसकी बीमारी अब ठीक नहीं, हालांकि जवान है, हट्टा कट्टा भी है, लेकिन शुगर है, शुगर तो उसको तीन घंटे चार घंटे में खाना खाना है, इंसुलिन लेना है, फलाएं, मजबूर है, तो उसके लिए फिदिया है। लेकिन ये नहीं कि आप सब कुछ होने के बाद रोज़े छोड़े और बोले इसके बदले फिदिया दे दूँ, ये नहीं है, वो सिर्फ बीमार के लिए फिदिया है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।